बिहारियन करेगा, बंगालियन करेगा, वैसा नहीं चलने देंगे। सफल रहेगा। अरे ऊपर काम तो तैयारी है, तो हमरो तैयारी है, हम भी तैयार है। जो 60-40 का जो नियम निकाल रहा है वो सही नहीं है। हम लोग को 1932 चाहिए, झारखंडियों को अपना हक चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, उसके अनुसार स्थानीय नीति बने। जोहार, ये नज़ारा रांची के अल्बर्ट का चौक का है। आप देखिए कैमरे के नज़र से यहाँ हजारों की संख्या में छात्र जमा हुए हैं। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों ने 3 दिन का महा आंदोलन बुलाया है और कल इसी के अंतर्गत छात्र जो है सीएम आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे। आज उनका मशाल जुलूस का कार्यक्रम है और कल झारखंड बंद का आह्वान छात्र संगठन द्वारा किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अल्बर्ट का चौक पे किस तरह से तमाम छात्र मशाल जलाकर 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को ये चिताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो ये छात्र इससे भी बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगे। हमने कई लोगों से बात की, कई छात्रों से बात की, ये तमाम लोग रांची के हॉस्टल में, ये तमाम छात्र रांची के हॉस्टल में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आज नियोजन नीति जो अभी 60-40 जो छात्र बता रहे हैं उसके विरोध में आज यहाँ पर अल्बर्ट का चौक पर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। नीति का जो झारखंड में हमारी झारखंड सरकार 3.5 साल के बाद जो बनाई है उस नीति का हम लोग जो है पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग जो है कल देखिए, कल हम लोग का प्रदर्शन हुआ है, आज मशाल जुलूस हम लोग निकाले हैं, कल फिर हम लोग जो है से पूरा झारखंड बंद का आह्वान करते हैं। अगर यह सरकार फिर भी नीति को जो है से रद्द नहीं करती है, कैंसिल नहीं करती है, इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन हम जो है सब झारखंडी युवा करेंगे। लड़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग, अब नौकरी करेगा बाहरी, बिहारिया करेगा, झारखंडिया, अरे बिहारियन करेगा, बंगालियन करेगा, वैसा नहीं चलने देंगे। झारखंडी जो है अभी झारखंड में बेरोजगार लोग बहुत है और आप इतना मात्र 3.5 साल में यह सरकार कैसी है बाबा, समझे में नहीं आता है। 3.5 साल हो गया, अभी तक एगो नियम ही नहीं बना है कि कैसे जो है से रोजगार, अरे जितना रोजगार उतने दीजिए ना, कम से कम उतने में हम लोग जो है से खुश रहेंगे, कम से कम रोजगारवा तो निकालिए, झारखंडी जो है से उन लोग को तो दीजिए, बाहरी के का जरूरी है देना, का हम लोग मर गए यहाँ से, हम लोग यहाँ पे जिंदा है। तो बोल रही है 60-40 वो लोग नहीं लाए, छात्र जो है परीक्षा दे, एग्जाम फॉर्म भरे, कैसे कैसे फार्म भरा रहा है, बाहरी लोग जब फार्म भर देगा, रिजल्ट निकलेगा और उन लोग का मार्क्स आ जाएगा तो आप कैसे उन लोग को फिल्टर कीजिएगा, कैसे उन लोग का फिल्टर कीजिएगा कि वो लोग जो है से कि झारखंडी नहीं और मतलब बाहरी नहीं है। जब उन लोग का मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, जब जो है से कि हम लोग झारखंडी लोग के कम आ जाएगा, तब कौन नियम है आपके पास, कौन नियम से उन लोग को हटाइएगा। उलर झुलर बात मत कीजिए, जितना भी मंत्री हैं, विधायक हैं, हेमंत सोरेन सर है, आप लोग से हम लोग जो है माननीय हेमंत सोरेन से हम लोग जो है से रिक्वेस्ट करते हैं, उलर झुलर नियम मत बनाइए। हम लोग सब झारखंडी हुआ पागल नहीं है, हम लोग जो है से कि सब पढ़ने लिखने वाले हैं। मसाल बुझती थोड़े है, मसाल का एक टाइम होता है, जब वो दिल दे टाइम नहीं होता, वो बराबर जज्बा रहता है। कल झारखंड बंद निकले हुए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आज हम लोग मसाल जुलूस के लिए निकले हैं, कल मुख्यमंत्री घेराव सफल रहा और आज मसाल जुलूस भी सफल है और कल बंदी भी सफल रहेगा। कल कितना बंदी सफल रहेगा, 100% बंद, मतलब बंद, बंद मतलब बंद, और कुछ खुला नहीं, सिर्फ अनिवार्य सेवाएं, एम्बुलेंस, दूध, दवा, मेडिकल, ये सब सारे खुले रहेंगे।
यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया, उसके बाद आदिवासी छात्र संघ, सेंगल, ये तमाम स्टूडेंट जो है और जितना भी संघ है और ऑटो संघ, बस चालक संघ, ट्रक संघ, सारे लोगों ने बंदी का घोषणा किया, जिसने स्वेच्छा से किया। और सबसे बड़ी बात, कैक बोर्ड ने, सारे यूनिवर्सिटी ने सारी परीक्षाएं रद्द कर दी। अगर ये सर तैयारी है, पुलिस की फिर से तैयारी है, अरे ऊपर काम तो तैयारी है, तो हमरो तैयारी है, हम भी तैयार हैं, उसके पास जवान है, मेरे पास भी जवान, जो होगा फाइनल देखा जाएगा। मशाल जुलूस में आए हम लोग को, झारखंडियों को हक मिले, हम लोग जो 60-40 का जो नियम निकाल रहा है वो सही नहीं है, हम लोग को 1932 चाहिए, झारखंडियों को अपना हक चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, उसके अनुसार स्थानीय नीति बने, युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को यहाँ का जो खनिज है उसका लाभ मिले, यही इसकी के चलते आज हम लोग मशाल जुलूस आए हैं। और हम कल पूरा झारखंड बंद रहेगा, युवाओं का हाथ को मजबूत करेंगे और पूरा झारखंड को बंद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज देखिए किस तरह से रांची के अलबत्ता चौक पर हजारों की संख्या में छात्र जुटे हैं। अब देखना होगा कल झारखंड बंद को लेकर क्या कुछ ये छात्र करते हैं और छात्र संगठन का ये बंद कितना कामयाब होता है। सहयोगी विकी के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।